Assalamu alaikum to all students of Rifa International University Gulbarg Campus, Lahore 2023. Myself Kashyap Malik and today I will explain you the first lecture of biochemistry. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि biochemistry क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और हम इसको कैसे पढ़ेंगे. देखिए, जो बायोकेमिस्ट्री होती है ना, और स्पेशली जो केमिस्ट्री है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ना स्टूडेंट्स उसको अपनी डेली लाइफ से जो है ना वो रिलेट करके पढ़ सकते हैं. शायद बहुत सारे बच्चे अब मेरी इस बात को सुन के हंसेंगे, और हंसना बनता भी है. केमिस्ट्री को जो है ना वो हम सास बहू के झगड़े से जो है ना वो रिलेट करते हैं, ठीक है. यानी टिट फॉर टैट मैंने ये स्लाइड इसीलिए यहाँ पर लगाई है कि केमिस्ट्री जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देता है, बार बार हमें ये चीज़ बताता है कि जैसा तुमने करना है ना वैसा ही तुमने भरना. खैर, ये तो हो गई डेली लाइफ वाली बात, अब हम चलते हैं ज़रा साइंटिफिक लाइफ की तरफ. सो बायोकेमिस्ट्री की हम डेफिनेशन कर लेते हैं जी. बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ. लाइफ क्या होती है? ज़िंदगी. अब ज़िंदगी है. केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. केमिस्ट्री जो होती है ना, केमिस्ट्री ये बेसिकली एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डिस्क्राइब करती है हर तरह के रिएक्शन को, हर तरह के प्रोसेस को, जो भी जानदार चीज़ों के अंदर हो रहा है ना, दैट इज़ ओवर केमिस्ट्री. चाहे वो जानदार है चाहे वो नहीं है. हमने, अगर आप सबको याद हो तो 9th क्लास में हमने केमिस्ट्री और उसकी टाइप्स पढ़ी थी. उसमें एनवायरमेंटल भी थी, एनालिटिकल भी थी. अब वो जानदार चीज़ों के बारे में तो नहीं है, ठीक है. तो केमिस्ट्री जो है ना वो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है. ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को डिस्कस करता है, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उनके हर एस्पेक्ट से जो है ना वो चीज़ों को ना ये डिस्कस करता है, ठीक है. तो बायोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि आप एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को कंसर्न कर रहे होते हैं जिसमें आप तमाम जानदार खुलिए सेल्स जो होते हैं ना, उनको जो है वो खुलिए कहते हैं, जैसे टिश्यूज़ को कहते हैं, लेकिन सेल्स के लिए भी हम सेम टर्म इस्तेमाल करते हैं. तो और उन सेल्स के अंदर हर तरह का जो रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन हो रहा है, एंडरगोनिक रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहा है, रिडक्टिव रिएक्शन हो रहा है, वट एवर दीज रिएक्शंस आर, वट एवर दोज प्रोसेसेस आर, हम उन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे जो इसका मेजर है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी जानदार जिंदा ही नहीं रह सकता, इसलिए ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी बायोकेमिस्ट्री का. बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है. इसमें आप जो है ना वो सब टाइप्स ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ते हो, सब टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री भी पढ़ते हो. आप बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में जो है ना वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो आपस का रिलेशनशिप है ना, आप उसको स्टडी कर रहे होते हो. सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, तीन तरीके से आपने केमिस्ट्री को जो है वो बायोलॉजी से रिलेट किया है, ठीक है. हम इनके डिस्टिंक्शन में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये आगे जाके हमने पढ़ना ही है, तो फिर हम इसको जो है ना वो तब एड्रेस करेंगे. अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री जो है ना, ये मेरी स्लाइड्स थोड़ी प्रॉपर नहीं है क्योंकि अभी मैडम ने खुद शेयर नहीं की, ये मेरी खुद की स्लाइड्स हैं, तो ये थोड़ी प्रॉपर नहीं है. लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर कॉन्टेंट को जो मैम ने पढ़ाया था उसको कवर आउट करूँ. सो अब बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई, सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गई. बायोकेमिस्ट्री नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, बायोकेमिस्ट्री होगी तो क्या क्या होगा. बायोकेमिस्ट्री होगी तो आप टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, अपनी लेबोरेटरी में जितने टेस्ट करते हो बायोकेमिस्ट्री की वजह से करते हो. बायोकेमिस्ट्री ने आपको बताया कि आपके जितने भी सारे इनहेरिटेड डिजीज हैं आपको अपने नानकों से मिलते हैं. बायोकेमिस्ट्री ने आपको जेनेटिक्स दी है. बायोकेमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसने आपको एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और 100 सब पार्टिकल्स या सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर करने की जो है वो सलाहियत दी है. बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ से लेकर हमारी इंटरनल लाइफ तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ये इसकी सिग्निफिकेंस थी हमारी डेली लाइफ में, हमारे मॉडर्न एरा में. बायोकेमिस्ट्री के बगैर ना एटलीस्ट केमिस्ट्री की किसी ब्रांच का जो है ना वो वजूद मुमकिन नहीं है. फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ना वो बायोकेमिस्ट्री के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. नेक्स्ट चलते हैं हम.
जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसका जो सबसे मेन मेडिकल के बच्चों के लिए जो बहुत ही अहम रोल है कि ये डायग्नोसिस में हमें मदद करता है, ये प्रोग्नोसिस में हमें मदद करता है और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में मदद करता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है आप किसी चीज़ को, आप किसी बीमारी को जो है वो पहचान रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी है, ये कैसी बीमारी है। टेस्ट अब डॉक्टर के पास चले गए हैं, टाइफाइड हो गया बच्चे को, डॉक्टर के पास चले गए हैं, अब डॉक्टर को जाके बताया कि ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी बीमारी है, टाइफाइड है, डेंगी है, क्योंकि सिम्टम्स तो सबके सेम है, डायरिया है। डॉक्टर क्या करेगा, आपको टेस्ट लिख के दे देगा। आप टेस्ट करवाओगे तो एक लैब टेक्नीशियन के पास जाओगे, लैब टेक्नीशियन जो होगा वो मुख्तलिफ आपके जो है वो सैंपल्स लेगा, यूरिन का लेगा, ब्लड का लेगा, मुख्तलिफ जो है ना वो आपके सैंपल्स लेगा, उसको फिर वो एग्ज़ामिन करेगा, फिर आपको जाके जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज़ डायग्नोसिस विया बायोकेमिस्ट्री। ये तो मैंने बीमारी की बात कर दी ना, इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को, अगर फिजियोलॉजिकल में बात करूँ ब्रेन ट्यूमर को, कैंसर को, मेलेग्नेंट ट्यूमर को डिस्कवर आउट करते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री ही है जिसने इन सब चीज़ों की मतलब बेसिक जो बेसिस है ना वो बायोकेमिस्ट्री ने रखी है। अब हेल्थ और डिजीज़ में फ़र्क क्या है, हेल्थ मतलब कि आपका एक हारमोनियस बैलेंस है, आप बैलेंस्ड हो इंटरनली, आपको कोई मसला नहीं आ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका रिएक्शन, आपका खाने का जो डाइजेशन है वो एब्जॉर्प्शन वो बिल्कुल प्रॉपर है, आपको एक प्रॉपर अमाउंट में जब आप एक चीज़ खाते हो, फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हो, आपने उसको खाया, आपने अपने जो माउथ है उसमें जब उसको एनगल्स किया है, अंदर की तरफ आप लेके गए हो अपने ओरल कैविटी में, आपने टीथ से उसकी मैस्टिफिकेशन की है, उसके बाद आपने स्वालोविंग की है, स्वालोविंग के बाद वो खाना जो है वो बोलस की फॉर्म में आपके मुंह के अंदर से इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, स्टमक ने जो है वो उसको पिंच करना शुरू कर दिया, रिलैक्स किया, फिर पिंच किया और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बेसिकली हमारा जो स्टमक है ना और स्मॉल इंटेस्टाइन है, बेसिकली इन्हीं दोनों में जो है ना वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस होता है। यू हैव वेल स्टडीड इन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हमारा चैप्टर था ना, उसमें ये बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो आपने डाइजेशन जो आपकी होती है ना आपके स्टमक के अंदर, वो विया मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म विया एंजाइम्स, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मदद से, और स्टमक के अंदर जो आपकी मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो है ना वो आपकी डाइजेशन होती है। जब तक आप एक एडोरेबल अमाउंट को जो है वो इनगल्फ कर रहे होते हो ना तो आप ठीक रहते हो। अब फॉर एग्जांपल शादी में चले गए हैं, वहाँ पे जी खुली रोटी मिल गई है, बस शुरू हो गए हैं धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं, ना पेट देखा है, ना अपनी कैपेसिटी देखी है कि मैं कितना खा सकता हूँ, पेट तो भर गया, आँखों की भूख नहीं बढ़ती लोगों की, पाकिस्तानियों को तो खासा मसला है ना ये। अब खा ज़्यादा लिया है, घर आए हैं तो वॉमिटिंग शुरू हो गई है, डायरिया हो गया, मसला हो गया, पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है बच्चे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में आपने अपना जो है ना उसका बेड़ा गड़क कर लेते हैं, मेटाबोलाइज नहीं कर सकते आपके एंजाइम्स, आपकी बॉडी, आपका स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं करता इतने ज़्यादा खाने को। इसीलिए आपको अपनी बैलेंस्ड डाइट रखनी चाहिए, आपका हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए, देन यू विल रिमेन हेल्दी। डिजीजेस कम होते हैं जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हो, आपको फूड पॉइजनिंग या डायरिया हो जाता है, आप गंदा पानी पी रहे हो आपको टाइफाइड होगा, या इस तरह की दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं, कॉलेरा एंड मैनी मोर अदर। सो एबनॉर्मेलिटीज़ आपके बायो मोलिक्यूल्स में, आपको आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि मेटाबॉलिज्म्स में और प्रोसेसेस में आपको बीमार करने का सबब बनती हैं। बायो मोलिक्यूल्स की क्या मुझे डेफिनेशन करने की ज़रूरत है, क्या होता है बायो मोलिक्यूल्स, जरा अपने दिमाग से सोचेंगे। बायो मोलिक्यूल्स आर बेसिकली दोज एसेंशियल मोलिक्यूल्स, विदाउट देम ह्यूमन बॉडी कांट एग्जिस्ट। ये वो चार तरह के मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर ह्यूमन बॉडी रह ही नहीं सकती। वैसे अभी हम आगे चल के बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन के बारे में भी। सो बायो मोलिक्यूल्स जो है वो चार तरह के होते हैं मेजर, पॉलीसेकेराइड्स, आइदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो शुगर्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स को बनाने वाली शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैल्टोज है, मैनानोज है, ठीक है।
फैटी एसिड्स को बनाने वाली फैट्स को बनाने वाले फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स को बनाने वाले एमिनो एसिड्स हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब टर्म्स तो यहाँ लिखी हुई थी, आप खुद भी पढ़ सकते थे। जाहिर मेरा काम क्या एक्सप्लेन करना है, आई विल। पॉलीसेकेराइड जो है ना, वो हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, ऐसे शुगर्स को कहते हैं जिनमें मोर देन 100 डाइसेकेराइड्स या मोनोसेकेराइड्स होते हैं। इनको हम मोर देन 100 डिवीजंस में जो वो डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली द चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं सेलुलोज की, काइटिन की, पेप्टिडोग्लाइकैन की, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं बेटे। नेक्स्ट हम चलते हैं फैटी एसिड्स की तरफ। जितने भी ट्राईएसाइलग्लिसरॉल्स हैं, ट्राईग्लिसराइड्स हैं, वो सब फैटी एसिड्स हैं। तो आप साबुन इस्तेमाल करो, व्हाट इज़ इट? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पोनिफिकेशन। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। एमिनो एसिड्स की एग्जाम्पल आइसोल्यूसीन, गाबा, GABA, दैट इज ऑल्सो एन अमाइनो एसिड, विलाइन, ग्लूकोसामाइन, ये सब अमाइनो एसिड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली यूरासिल, एडिनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, दीज आर योर न्यूक्लियोटाइड्स। आगे हम चलते हैं फोर मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स की यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की। यहाँ पे मैं एक बात मजीद आपको बता दी चलूँ कि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसमें स्टोर्ड फॉर्म जो हमारे मसल्स के अंदर होती है, दैट इज ग्लाइकोजन। लेकिन जो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। मसल्स में अगर आपने स्टोर करनी है ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो हम कोई काम नहीं कर रहे होते, हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मसल्स एकदम से जो है फंक्शन में आ जाते हैं। चाहे आपने सुबह का नाश्ता ना किया हो, फिर भी आप चल फिर सकते हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी किधर से आती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं मोस्टली सुबह नाश्ता करके यूनिवर्सिटी नहीं आती, लेकिन सारा दिन चलती फिरती हैं, इधर उधर उड़ती रहती हैं, तो वो कैसे चल फिर रही होती हैं? दैट इज़ ड्यू टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो तब रिलीज होती है जब आपको एनर्जी चाहिए होती है। जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो ये विया एंजाइम्स ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ग्लूकोज होती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे खाया वैसे ही लगा दिया, ठीक है। लिपिड्स, फैटी एसिड्स हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी ट्राईएसाइलग्लिसरॉल्स के बारे में। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी। डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल्स हैं। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। डीएनए तो एक बहुत ही मतलब एसेंशियल पार्ट है और ये तो हर बच्चे को पता होता है मेडिकल के। आरएनए जो है वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, बस इसके लिए इतना याद रखना काफ़ी है। अब सेल, जो सेल होता है ना बेटे, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिकली लाइफ ही सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो उसकी ज़िंदगी ही सेल है, वो एक ही है, इकलौता ही है और वही है, उसी से सब कुछ हो रहा है। अब एक सेल तो हमने देख लिया कि है, अब एक सेल के अंदर क्या है, एक सेल के बाहर क्या है, एक सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर एक सेल बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है जब भी किसी जगह पर जा रहे होते हैं तो सेल में भी अब हम लोग घुसेंगे और अंदर से बाहर से जो है वो हम अंदर की तरफ घुसेंगे, ठीक है। सो एट फर्स्ट हम लोग गए सेल के दरवाजे पे, हमने जाकर नॉक किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे क्या थी। वहाँ पे जो थी ना, अगर प्लांट सेल की बात करूँ तो वहाँ पे सेल वॉल थी, एनिमल सेल की बात करूँ तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। फिर हमने उसको क्रॉस करके जो है ना वो हम अंदर चले गए। वहाँ पे ना फिर हमें क्या मिला, हमें ना ऑर्गेनेल्स मिली, जो उसके गार्ड्स ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, राइबोसोम मिले, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिला, न्यूक्लियोलस मिल गया, परऑक्सीसोम मिल गया, ग्लाइऑक्सीसोम मिल गया, ऑटोफेगोसोम मिल गया, इस तरह की लात दात सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब हमें वहाँ पे ऑर्गेनेल्स मिल गई, ठीक है। उससे आगे हम थोड़ा गए तो हमें ना वाटरी फ्लूइड मिल गया, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म आदि साइटोप्लाज्म कहते हैं।
जिसमें ये ऑर्गेनेल्स जो थी वो एम्बेडेड थी, डूबी हुई थी। जैसे शायर डूब जाते हैं ना, वैसे ऑर्गेनेल्स भी डूबी हुई थी। फिर हम थोड़ा और आगे, हमें न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास थे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर सेल। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ सेल के बारे में। एनिमल और प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल होता है ना बेटे, उसके अंदर जो है ना वो एक लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि एनिमल सेल में ना वैक्यूल्स होते ही हैं। होते हैं, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एक गैदर्ड बड़ा वैक्यूल नहीं होता, वो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते, लेकिन वैक्यूल्स होते हैं। सो कीप इट इन माइंड। अच्छा, उसके बाद मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेल। एक सेल कितने एलिमेंट्स से बना हुआ है? नेचुरली अगर देखें तो 92 है। ऊपर जितने भी लगाए गए वो सब आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, नेचुरल नहीं है। इससे पहले जो मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर दिया था, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि हमें क्या फ़ायदा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो बेटा ये फ़ायदा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये फ़ायदा है असल में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। खैर, अपने लेक्चर की तरफ ही रहते हैं हम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स से बने हुए हैं। मेजर एलिमेंट चार हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी का कम अज़ कम 96% हिस्सा ये बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो टोटल 16 बायो एलिमेंट्स से बनी हुई है, इन 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स में से। क्लियर? अब हम चलते हैं ज़रा से, सेल की हमने बात कर ली, बायोस के पोर्शन से अब हम बाहर आने लगे हैं थोड़ा सा। पहले हम बायो मॉलिक्यूल्स इन सेल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चार मेजर जो हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होता है बेटे, ये ना वाटर फ्लूइड में जो है ना वो आपको मिलते हैं, वैसे नॉर्मल एज एन एलिमेंट नहीं मिलते। बाकी सब तो आपको ना हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको जो है ना वो एक मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ठीक है। और जो वाटर होता है ना, दैट इज़ दी मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। हमारा 70% जो ह्यूमन बॉडी है ना वो वाटर से कंपोज्ड है। और हमारी बॉडी का जो जितना भी वेट है ना वो ऑलमोस्ट हमारे अंदर मौजूद वाटर की वजह से। अब वाटर से यहाँ पे मुराद जो है ना वो पानी नहीं है, दैट इज़ आवर प्लाज्मा, दैट इज़ आवर ब्लड, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये पानी है, नो इट्स नॉट वाटर, ये वो वाला पानी नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्म वाला पानी है, ये बायो वाला पानी है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जरा से केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे? एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कार्बन की बात करें तो उसके अंदर 6 होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर 1 होता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को। देखिए, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं ना, उनका एक रूल है, वो कहते हैं या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट। अब ऑक्टेट डुप्लेट क्या है भाई? आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो मैं स्टेबल हूँ, वरना फिर मैं जो ना वो अनस्टेबल हूँ, ठीक है। अब कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये जो है ना बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ये फर्दर 4 एटम्स के साथ बॉन्ड करेगा अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 और चाहिए, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपना डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए। सेम ऑक्सीजन 2 गेन करेगा अपना डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। और नाइट्रोजन जो है वो भी 3 गेन करेगा अपना पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, हम लोग कैसे जो है वो उसके इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, अब हम ज़रा अपनी पुरानी केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हमने पढ़े हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 मॉडल्स। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है,
बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, चले रदरफोर्ड की पहले बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो आउट ऑफ मोस्ट शेल में मूव कर रहे हैं, जो कि स्फेरिकल अंडे की तरह का ओवल शेप्ड है। बोहर ने ऑब्जेक्शन की, बोहर ने कहा नहीं वो सर्कुलर है। फिर प्लैंक्स आ गया, उसने कहा तुम दोनों निकलो, दोनों गलत कह रहे हो, ये तो इलेक्ट्रॉन्स तो ना किसी सर्कल में मूव करते हैं ना किसी ओवल में मूव करते हैं, ये तो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट देते हैं। और प्लैंक्स की ही थियोरी जो है वो अब तक सबसे ज़्यादा जानी मानी जाती है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी सर्कल में किसी ओवल में नहीं मूव कर रहे, वो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट में जो है ना अपनी ऑर्बिट को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं अपनी रोटेशन के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिस जगह पर होते हैं ना उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कैपेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, और जहाँ पे ज़ीरो हो जाए उसको हम कहते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन इट्स रिएक्टिविटी, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल, पहले वाले शेल में जो कि के कहलाता है दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में जो कि एल कहलाता है एट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरे में जो कि एम कहलाता है दोबारा एट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। के एल एम एन पढ़ा होगा, आप सबको याद होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑर्बिट्स की, ऑर्बिटल्स की बात की है। ऑर्बिटल्स की भी इसी तरह से टाइप्स हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप केमिकल बॉन्ड्स की कितनी है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि ऑक्टेट या डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं एटम्स, वो दूसरे एटम्स के साथ जाके कहते हैं यार मेरे पास नहीं है तुम मुझे दे दो, अगर किसी एक के पास ज़्यादा होगा तो वो कहेगा यार मैंने मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो। ये ना बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं, इंसानों को भी ऐसा करना चाहिए। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली हमें ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए भी बनाया गया है इनडायरेक्टली, अगर हम समझें तो। खैर, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स दो तरह की होती हैं, या तो शेयरिंग केयरिंग कर लो या फिर कम्प्लीटली जो है ना वो दे के पॉजिटिव नेगेटिव हो जाओ। अब होता क्या है बच्चे, आयोनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको एक चाहिए था, हाइड्रोजन के पास एक ही था उसको भी एक चाहिए था। अब दोनों जो थे वो चलते चलते रास्ते में जो है ना वो मिल गए, दोनों ने एक दूसरे से अपनी परेशानी कही कि मेरे पास एक नहीं है, नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास भी एक नहीं है। फिर दोनों को सूझा कि क्यों ना हम लोग शेयरिंग कर लें, क्योंकि दोनों को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दोनों ने कहा ठीक है हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब उन्होंने शेयरिंग की, एक दूसरे की केयरिंग की, तो उन्होंने बनाया कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाया? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि उनको सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहना पड़ा। जहाँ पे वो एक दूसरे की केयर करना छोड़ेंगे वहाँ पे वो दोनों फिर डेफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड चूँकि म्यूचुअल शेयरिंग थी, इसके ऊपर कोई साइन नहीं आया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहा ये। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं, आयोनिक बॉन्ड जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है कि बस या तो तुम या तो मैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो एटम्स थे, एक जो था ना उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक सोडियम है जिसके पास जो ना वो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जो सोडियम है ना वो बड़ा परेशान था, उसका जो आउटर मोस्ट शेल था उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन उसको देता है, इतना तो कोई भी सखी नहीं ना होता, और आज की दुनिया में तो वैसे ही कोई इतना सखी नहीं है। अब सोडियम बेचारा परेशान बैठा था कि मैं क्या करूँ। इतने में जो है ना वो एक हाइड्रोजन उसके पास से गुजरा, तो हाइड्रोजन ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है तुम इतने परेशान क्यों हो, तो उसने कहा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं क्या करूँ, मैंने अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। हाइड्रोजन ने उसको कहा लो इसमें क्या मसला है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है
मुझे अगर तुम एक दे दो तो मेरा डुप्लेट रूल पूरा हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम बड़ा खुश हुआ सुन के, उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो खुशी खुशी जो है वो हाइड्रोजन को दे दिया। जब सोडियम ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने फिर सोडियम को इसका अजर दिया। सोडियम का ऑक्टेट रूल ऑटोमेटिकली पूरा हो गया क्योंकि उसका ऑटम और शैल ही ख़त्म हो गया। हाइड्रोजन को भी जो है वो उसकी मदद हो गई, उसका भी ड्यूप्लेट रूल पूरा हो गया। अब इस तरह से क्या हुआ कि दोनों सेपरेटली स्टेबल हो गए। लेकिन इसमें एक फ़र्क आया, हाइड्रोजन ने चूँकि मदद ली थी, गेन किया था इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आएगा। सोडियम ने चूँकि मदद की थी, वो अच्छा था, पॉजिटिव था, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। आई होप सो के समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि कोवलेंट और नॉन पोलर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे आयोनिक और कोवलेंट की। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, देखिए कोवलेंट बॉन्ड पता है जब आप शेयरिंग और केयरिंग वाला रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखना, दो दोस्त हैं ना अगर अपना लंच शेयर करेंगे ना तो उनमें प्यार बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का खाना अगर आप शेयर करते हो, खाते हो ना मिलके, तो बरकत होती है। जब बरकत होती है तो सेहत भी अच्छी होती है, रिस्क में भी इजाफा होता है, सब कुछ होता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है दो लोगों के दरमियान का एक साथ खाना खाने से। कोवलेंट बॉन्डिंग में भी कुछ ऐसा ही किया था हमने, अगर याद हो, म्यूचुअल शेयरिंग की थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कब बनता है? जब आप शेयरिंग करते हो। टूटता कब है? जब कोई अनहोनी होती है, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती थी और कोई मेरे दिमाग में आ नहीं रहा फ़िलहाल। अब इंसानों से रिलेट करके अगर मैं समझाऊँ ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उनमें से एक की हो जाती है डेथ, ठीक है। ये वायलेंट इवेंट हो गया, वो मर गया, अब नाइट्रोजन अकेला रह गया, बॉन्ड टूट गया उसका बेचारे का। सो कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ इसी तरह की सूरतों में टूटते हैं जिनका कोई मतबादल नहीं होता, वो बदली नहीं जा सकती। लिविंग सेल्स में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड को जो है ना वो एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टेबल भी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो वीकर होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी होते हैं हमारे मतलब सेल्स में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए, दो चीज़ों को अलग करने के लिए, दो चीज़ों को मिलाने के लिए आयोनिक बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जल्दी से जो है ना वो घुल जाना, हल हो जाना, ठीक है, तो इसके लिए आयोनिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा सुटेबल रहता है। जैसे सोडियम की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड पानी में जब आप इसको डालते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसके बरक्स अगर आप ठंडे पानी में कभी चीनी शुगर क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, करते रहोगे, होगा नहीं, ठीक है। सोलेबिलिटी जो है उसके प्रिंसिपल्स दो होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक और ठीक है अनलाइक, दो प्रिंसिपल्स पर काम करती है सोलेबिलिटी। खैर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जब ऊपर एग्जांपल आप लोगों को दी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, भले ही उसको एक चाहिए था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन थे 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे ना, तो जाहिर है कि फिर उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी तो उतनी ज़्यादा होगी ना। एक बंदे के पास जितने ज़्यादा टैलेंट होते हैं फिर वो लोगों को उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी तो करता है ना। हाइड्रोजन के पास एक है, नाइट्रोजन के पास 7 टैलेंट्स हैं, तो नाइट्रोजन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या नहीं? ऑब्वियसली वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, गेनिंग कैपेसिटी में चला जाएगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की तरफ से ऐसे ऐसा उसका इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा था, पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये होते हैं कोवलेंट पोलर बॉन्ड्स। कोवलेंट नॉन पोलर बॉन्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों ही जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट इक्वल कैपेसिटी के होते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने क्लियर किया है अभी कि कोवलेंट बॉन्ड जो वो दोनों तरह का हो सकता है, नॉन पोलर भी और पोलर भी, ओके। बाकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का आपस में जो होते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है,
बॉन्ड लेंथ ज़्यादा करोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा करोगे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर सिंगल और डबल बॉन्ड का बहुत इफेक्ट होता है। इस एग्जांपल को याद कर लें, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यूज एज इट इज़ आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए जो वो याद करनी पड़ेंगी। आयोनिक बॉन्ड में एक्सप्लेन कर चुकी, आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और मेरा तो नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए। खैर, इनके दरमियान जो ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो सबको पता होगा, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, अट्रैक्शन का भी पता होगा, अपनी तरफ खींचना। तो ऐसे चार्जेस को अपनी तरफ खींचना जो एक जगह पर ठहरे हुए हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना ये ज़ाहिर है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में होते हैं, और दैट रिप्रेजेंट द स्पेशल फॉर्म ऑफ पोलर इंटरेक्शंस इन विच इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इज पार्शली शेयर्ड बाय टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स एट वन टाइम। H2O है ना, दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो एट अ टाइम एक नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिले हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना इसके अंदर आपके पास डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस जो है वो फंक्शन कर रही होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो कब कमज़ोर हो जाते हैं, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनाते हैं। खाली अगर जैसे वाटर है ना वो एक मॉलिक्यूल है, जब H2O का एक मॉलिक्यूल है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम एक लेक में देखते हैं, एक चलो वाटर पॉन्ड कर लें, वाटर पॉन्ड में हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में गैदर्ड हैं, मिले हुए हैं। वो किस तरह मिले हुए हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही मिले हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बेसिकली बेटे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है फियरिंग, डरना, पानी से डरना, पानी से नफरत करना। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस उन इंटरेक्शंस को कहते हैं जब वाटर जब तमाम एटम्स या तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से दूर भाग रहे हो ना, रिपल्शन फ्रॉम वाटर, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक होती है वाटर लविंग, यानी जो भाग भाग के पानी के मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा हो वो हाइड्रोफिलिक कहलाता है। इसके अलावा भी काफ़ी पॉइंट्स थे हमारे लेक्चर में, ट्राई करती हूँ उनको भी कवर आउट करूँ। यहाँ पे अब जिक्र नहीं आया है कुछ चीज़ों का, ब्रांचेस का जिक्र बिल्कुल भी नहीं आया, सेल बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, फिर आपकी इम्यूनोलॉजी का। हमने क्लास में काफ़ी सीरीज की सब टाइप्स पढ़ी थी, इनमें तीन बहुत ही ध्यान देने वाली टर्म्स थी, एस्कीमिया, डेथ ऑफ सेल, एनाफाइलेक्सिस जब आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि HIV वायरस इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि हम सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सब टाइप्स थी, वो जब ज़्यादा स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी तो आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा समझना और पढ़ना। इसके अलावा यहाँ पर डाइमराइजेशन के कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं आया, मेम्ब्रेन्स का भी जिक्र नहीं आया, उसका मैं कर लेती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।